शहर के मकरपुरा पुलिस स्टेशन तरसाली नोवीनो रोड पर स्थित वैसी घनश्याम पार्क सोसाइटी में कराटे क्लास टीचर द्वारा 12 साल की लड़की के साथ शारीरिक छेड़खाने की घटना पुलिस थाने दर्ज होते हुए सनसनी फैली है। एक बार फिर लड़की और महिला सलामती सुरक्षा पर गंभीर सवाल पैदा होते हुए मकरपुरा पुलिस स्टेशन में 12 साल की लड़की के साथ शारीरिक छेड़खाने की घटना प्रकाश में आई है, जिसमें तरसाली नोवीनो रोड पर स्थित घनश्याम पार्क सोसाइटी में कराटे क्लास टीचर वैसे विकास सोढ़ी द्वारा 12 साल की लड़की को तेल मालिश कर बाद शारीरिक छेड़खानी करने की शिकायत पुलिस थाने दर्ज होते हुए सनसनी फैली है। पहले से ही वडोदरा शहर में बहुचर्चित वैसे वडोदरा वैक्सीन इंस्टीट्यूट ग्राउंड पर एक नवसारी की लड़की पर सामूहिक दुष्कर्म की घटना की साइन अभी सुखी भी नहीं है, तो वही अभी भी ये घटना में अपराधी पुलिस की गिरफ्तारी से फरार घूम रहे हैं। जहां वहीं मकरपुरा पुलिस स्टेशन के हद विस्तार तरसाली नोवीनो रोड पर स्थित घनश्याम पार्क सोसाइटी में कराटे क्लास टीचर द्वारा 12 साल की लड़की के साथ शारीरिक छेड़खानी करने की घटना प्रकाश में आते हुए वडोदरा शहर में एक बार फिर हाहाकार फैला है, जिसमें पीड़िता के परिवार द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर क्लास टीचर वैसे विकास सोढ़ी ने 12 साल की लड़की को उसके शरीर पर तेल मालिश कर बाद शारीरिक छिड़खाने की थी। मकरपुरा नोवीनो तरसाली रोड पर आई हुई घनश्याम पार्क सोसाइटी में मकान किराए पर लेकर विकास सुभाष चंद्र सोढ़ी द्वारा कराटे क्लास चलाए जा रहे हैं, जहां क्लास टीचर वैसे विकास सोढ़ी द्वारा 12 साल की लड़की के साथ शारीरिक छेड़खानी करते हुए बाद डरी और घबराई हुई लड़की ने अपने परिवार को इस बात की जानकारी देते हुए पीड़िता के माता पिता मकरपुरा पुलिस थाने पहुंचे थे। तो वहीं इस घटना अंतर्गत सनसनी फैलने के साथ स्थानीय काउंसिलर वैसे घनश्याम पटेल भी अपराधी के बचाव पक्ष में मकरपुरा पुलिस थाने दौड़े चले आने की जानकारी प्राप्त हुई है, जो ये घटना अंतर्गत बाद पुलिस द्वारा प्राथमिक तौर पर अपराधी वैसे विकास सोढ़ी की गिरफ्तारी की गई है। तो वही इस मुद्दे पीड़िता के पक्ष में आई वैसी एनसीपी की कार्यकर्ता द्वारा भी बचाव कामगिरी के तहत आए वैसे घनश्याम पटेल पर नाराजगी व्यक्त करने के साथ गृह मंत्री वैसी राज्य की मंत्री मनीषाबेन वकील को भी आड़े हाथों लेते हुए नाराजगी व्यक्त की थी, जहां देवयानी बेन परमार का कहना था कि मनीषाबेन वकील द्वारा तत्काल रूप से पीड़िता के बचाव में तथा अपराधी को कड़ी सजा देने के भागरूप मकरपुरा पुलिस थाने आना चाहिए था। तो वही इस संदर्भ में पुलिस द्वारा फिलहाल कराटे क्लास टीचर वैसे विकास सोढ़ी की गिरफ्तारी करते हुए सघन कार्यवाही जारी की है। आज मकरपुरा पुलिस स्टेशन नी अंदर एक दुष्कर्मनो केस नोंधायो छे अने फरियाद थयेली छे अने ए 12 वर्षनी बाळकी छे एनी साथे आ रीते कृत्य थयेलू छे अने ए कराटे चैम्पियन छे अने पंजाबनो रहेवासी छे अने अहीं गड़ी घनश्याम पार्कमां एना मकाननी ऊपर जे कराटे चैम्पियननो क्लास चलावे छे अने आ छोकरी त्यां कराटे करवा माटे जाय छे। आ 12 वर्षनी बाळकी छे एने माली कपड़ा काढ़ी नाख्या अने तेल मालिश करी अने पछी एने कई किस करी अने एवी रीते छोकरी एकदम गभराई गई। पछी एनी साथे ए घरे गई ने घरे जईने मम्मी ने कीधुं के मम्मी एने पूछू के शुं थयुं बेटा, तो के मारी साथे आवुं आवुं थयुं। एनी मम्मी मकरपुरा पोलीस स्टेशनमां आवी अने फरियाद नोंधाई छे अने सामेवारी पार्टी जे छे ए घनश्याम पार्कमां रहे छे एने पण पकड़ीने लई आव्या छे अने एने अत्यारे एना ऊपर केस थई ज गयेलो छे। 504 कलम छे अने एक पोक्स કલમ બી નોંધાઈ છે, પણ એમાં ઘનશ્યામભાઈ પટેલે બહુ તાકાત અને બહુ જોર લગાવી દીધું એ ભાઈને છોડાવવા માટે કે આ ભાઈ નિર્દોષ છે એવું બધું કરવા માટે, પણ છોકરી જે બોલે એ જ સાચું ગણાય પોલીસ સ્ટેશનની અંદર। બે ઘનશ્યામભાઈનું કંઈ ચાલે નહીં અને પણ બીજું છે કે આપણા રાજ્ય કક્ષાના મનીષાબેન વકીલ એ જે કેબિનેટ મંત્રી અત્યારે મોદીજીએ બનાવ્યા છે એમને, તે એ શું અહીંયા આગળ ધ્યાન આપે છે, શું મહિલાઓનું ધ્યાન આપે છે, શું બાળકીઓનું ધ્યાન આપે છે, એમને કઈ રીતે બનાવી દીધા છે। આજે હું સામાજિક કાર્યકર્તા છે તો હું આજે 10 વાગ્યાની મને જાણ થઈ ગઈ છે કે આ વિસ્તારમાં આવું થયું છે, તો હું 10 વાગ્યાની અહીંયા પોલીસ સ્ટેશનમાં હું બેઠી છું અને અત્યારે બધી ફરિયાદ થઈ ગઈ, બધું થઈ ગયું, અત્યારે ઘરે જઈશ। તો શું મનીષાબેન વકીલને નથી ખબર? મનીષાબેન વકીલે તરત જ હવે કોઈ બી પોલીસ સ્ટેશનની અંદર આવી ફરિયાદ થઈ હોય કંઈ હોય તો એમને ધ્યાન આપવું જરૂરી છે અને એમને તરત જ આવી જવું જોઈએ અને મનીષાબેન વકીલને ખબર પડવી જોઈએ કે મારે બાળકીના અને મહિલાઓના, હું મંત્રી છું પણ એ મંત્રી નથી, એ ખાલી રબર સ્ટેમ્પ છે। જય હિન્દ। જી બેન, આજે જે તમને પ્રાથમિક માહિતી મળી છે કે સ્થાનિક કાઉન્સિલર જે હાજરી આપી છે, તે તમે કયા અનુસંધાનમાં કહી શકો છો કે સ્થાનિક કાઉન્સિલરે આરોપીના તરફેણમાં હાજરી આપી હતી?
હા એ જે કરાટે ચેમ્પિયન છે એમની સોસાયટીના બધા લોકો આવ્યા હતા અને એ લોકોને મેં કીધું ભાઈ તમે કોના તરફથી છે તો કે અમે આ કરાટે ચેમ્પિયન છે એમના તરફથી છે ઘનશ્યામભાઈ પટેલ પણ આવ્યા હતા એ અમારા તરફથી આવ્યા હતા મેં એમને જ પૂછ્યું મેં કીધું કોના તરફથી આવ્યા હતા ઘનશ્યામભાઈ પટેલ તો કે અમારા તરફથી જ આવ્યા હતા પણ એમણે બધી કોશિશ કરી પણ એમની કોશિશ ફેલ ગઈ કશું થયું નહીં અને એ ઘરે જતા રહ્યા આપનો પરિચય બેન મારો પરિચય દેવ્યાનીબેન પરમાર હું એનસીપી ઉપાધ્યક્ષ છું અને ભીમ સેનાની અધ્યક્ષ છું જય ભીમ જય ભારત